हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ध्यान रखें इन बातों का तो परेशानी से दूर रहेंगे। थोड़ा कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर एक, जो औरतें रोटी बनाने के बाद बिना हाथ धोए खाना खाते हैं उनके घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर दो, ज्यादा नमक खाने से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है और साथ ही किडनी की समस्या भी होने लगती है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या भी हो सकती है। नंबर तीन, मोटी इलायची को उबालकर इसका पानी पीने से पेट की चर्बी कम होती है। नंबर चार, अगर शरीर में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाएं, ये एक बेहतरीन इलाज है दर्द दूर करने का। नंबर पांच, अगर सर्दी कम ना हो रही हो तो अदरक की भाप लेने से सर्दी से राहत मिलती है। नंबर छह, जो लोग दुबले पतले हैं वे रात में मुट्ठी भर चने की दाल को एक गिलास कच्चे दूध में भिगोकर रख दें। सुबह इसमें 5 से 6 किशमिश और मिश्री मिलाकर खाएं। ऐसा रोज करें, 1 महीने में वजन बढ़ जाएगा। नंबर सात, स्किन पर प्याज का रस लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है जो दाग को मिटाता है। इसके अलावा रिंकल्स हटाने में भी प्याज काफी फायदेमंद है। नंबर आठ, सुबह उठकर गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है। नंबर नौ, पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से बीमारियों से बचा जा सकता है, पर बहुत ज्यादा भी ना करें, सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। नंबर दस, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है, इसलिए गर्मियों में जामुन जरूर से खाएं। नंबर 11, जले हुए कागज को मक्खन में मिलाकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भरता है। नंबर 12, यदि घर में किसी को गैस की दिक्कत होती है तो खाना बनाते समय अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें और आप चाहें तो खाने में हींग भी डाल सकते हैं, इससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर 13, सुबह उठकर सबसे पहले आंखों की हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, ऐसा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 14, रोजाना एक टमाटर खा लेने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। नंबर 15, लीवर की सूजन को कम करने के लिए 1 चम्मच सेब के सिरका और 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी में मिलाकर पिए, इससे शरीर से विषैला पदार्थ बाहर निकलेंगे और सूजन कम होगी। नंबर 16, अदरक के 1 या 2 टुकड़े को गर्म तेल में डुबोकर रखें, इसमें शुद्ध शहद मिलाएं, हर रोज 2 बार इसका सेवन करें, कमर दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आप अदरक के तेल से पीठ की मालिश भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत आराम मिलेगा। नंबर 17, खांसी आने पर सौंठ को दूध में डालकर पीने से कुछ दिनों में ही खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 18, घी और काली मिर्च को हल्की आंच में गर्म करके पीसी मिश्री मिला दें और काली मिर्च मिलाकर खा लें, इससे खांसी बंद हो जाएगी। नंबर 19, सर्दियों के मौसम में बथुए का सेवन जरूर करना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, साथ ही इसे कब्ज की समस्या में भी राहत मिलती है। नंबर 20, चेहरे का रूखापन दूर करने के लिए रात को सोते समय दूध में शहद मिलाकर पीना चाहिए, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 21, सर्दियों में अखरोट का खाली पेट सेवन करने से दिमाग तेज होता है। नंबर 22, सूखे हुए अदरक के पाउडर को मतलब सोट के पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लेने से गठिया रोग में आराम मिलता है। नंबर 23, जिन लोगों की ठंड की वजह से पैरों की उंगलियां सूज जाती है उन्हें एलोवेरा जेल लगा लेना चाहिए, इसे सूजी हुई उंगलियों को बहुत आराम मिलता है। नंबर 23, सर्दियों में बच्चों को दूध के साथ साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खिलाएं,
इससे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत बच्चों के होता साथ है। साथ बड़े भी अगर इसका सेवन करते हैं तो सर्दी खांसी से भी दूर रहते हैं सर्दियों में। नंबर 24, आटे में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर रगड़ने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 25, मुरझाई हुई हरी सब्जियों को ठंडे पानी में नींबू निचोड़कर थोड़ी देर भिगोकर रख दें, सब्जियां फिर से ताजा हो जाएंगी। नंबर 26, मुल्तानी मिट्टी में विष को शोषित करने की विलक्षण शक्ति होती है, सांप बिच्छू कैंसर तक के जहर को खींचकर कुछ ही दिनों में ठीक कर सकती है। नंबर 27, मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने पर बाल झड़ना कम हो जाता है। हमारी दादी नानी भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे और उस टाइम में बाल बहुत ही अच्छे भी रहा करते थे। अभी केमिकल वाले शैम्पू से काफी हानि होती है। नंबर 28, सूखी त्वचा पर मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर या केलामाइन पाउडर मिलाकर लगाएं, इससे चेहरे की नमी बनी रहेगी। नंबर 29, सुबह की धूप में जरूर बैठना चाहिए, इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है और शरीर कई अन्य रोगों से भी बचा भी रहता है। नंबर 30, घर का काम खुद ही करना चाहिए, इससे शरीर की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। नंबर 31, दलिया का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद और हेल्दी होता है, इसलिए दलिया बच्चों को भी खिलाएं और बड़े भी खाएं। नंबर 32, हफ्ते में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए, इससे पेट ठीक रहता है। नंबर 33, सुबह के नाश्ते में चने और हरी मूंग भिगोकर उसे अंकुरित करके खाना चाहिए, इससे शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 34, सर्दियों में बच्चों को मूली और गाजर के कद्दूकस करके पराठे बनाकर जरूर खिलाएं और ये बहुत बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। नंबर 35, सुबह उठकर अमरूद की मुलायम पत्तियों का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 36, जागने के तुरंत बाद एक ग्लास गुनगुना पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। नंबर 37, लौकी का जूस पीने से फेफड़े खराब नहीं होते हैं और साथ ही लौकी का जूस मोटापा कम करने में भी मदद करता है। नंबर 38, दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर जरूर आराम करना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर 39, भोजन अच्छी तरह से चबाकर खाएं, साथ ही भोजन के बीच में बार बार पानी ना पिए और भोजन के एक घंटे बाद गुनगुना पानी पिए, इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और मोटापा भी दूर होता है, साथ ही पेट के कोई अन्य रोग भी नहीं होते हैं। नंबर 40, तुलसी एक अत्यंत गुणकारी पौधा होता है, तुलसी की 4 पत्तियां रोज खाने से हृदय पेट के रोग नहीं होते हैं, साथ ही कैंसर से भी बचाव होता है। नंबर 41, सप्ताह के एक बार करेले की सब्जियां अवश्य खाएं, इससे बुखार पीत दस्त पेट के कीड़े आदि सभी से बचाव होता है। साथ ही करेला मोटापे को दूर करता है और मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेकारक होते हैं। नंबर 42, ज्यादातर लोग दिमाग को तेज करने के लिए सुबह उठकर भीगे हुए बादाम खाते हैं। दिमाग को सेहत को अच्छा रखने के अलावा यह वजन घटाने में भी बहुत मदद करता है। नंबर 43, खाने में अच्छी गुणवत्ता वाले तेल का प्रयोग करें क्योंकि खराब क्वालिटी वाले तेल का सेवन करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। नंबर 44, सर्दियों में नारियल तेल हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए नारियल के तेल से चेहरे की मसाज जरूर करें। नंबर 45, कॉफी पाउडर में एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये एक सामान्य जानकारी पर आधारित है। इन उपायों को करने से पहले विशेषज्ञ का सलाह जरूर से लें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।